Hey everyone, very good morning, and welcome to Wi-Fi City, India's number one city channel. Okay, so मैं देख रहा हूँ कि चैटिंग में चल रहा है कि आज इको ना हो. अगर इको है तो मेरे को बता दो सो दैट हम जल्द से जल्द इसे करेक्ट कर लें. इफ यू फाइंड एनी इको, इफ यू फाइंड एनी डिस्टरबेंस इन ऑडियो वीडियो समथिंग, तो जल्दी से बता दो. ओके ऑल श्योर. ओके गाइस, देयर लॉट्स ऑफ पर्सन्स जिन्होंने मेरे को कल कह रहे थे कि सर आज हिस्ट्री क्यों ले रहे हो, आज कुछ और लीजिए. एक्चुअली मैं थोड़ी सी स्पीड बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, बट ऑनेस्टली स्पीड बढ़ाना इतना आसान नहीं हो रहा है क्योंकि बहुत सारी चीजें चलती हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हूँ. क्योंकि एक एक प्लेटफॉर्म को भी अगर मैं 4-4 घंटे देता हूँ तो वो थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है मेरे लिए. सो थोड़ा सा स्पीड इंक्रीज करने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ नहीं है. आई रियली वॉन्ट कि कल से, यानी कि फेब की स्टार्टिंग से, मॉडर्न हिस्ट्री एंड वर्ल्ड हिस्ट्री को मैं पैरेलली कवर कर दूँ आप लोगों के लिए. हालांकि तबीयत मेरी भी ठीक नहीं है, एंड बट कोई नहीं, तो वो चलता रहता है. इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, तबीयत तबीयत ये सब तो लगा रहता है. चलो सो लेट्स बिगिन टुडे. आज सुबह सुबह एडिटोरियल नहीं पढ़े तो मैं बड़ा शौक था एडिटोरियल्स नहीं पढ़ने को मिल रहे. आज मेरे को आदत पड़ गई है सुबह सुबह एडिटोरियल्स पढ़ने की और पढ़ाने की. ओके 7 फेब को आपका कॉम्बैट है, आपको ये पता होना चाहिए. जो भी टॉप 3 रैंकर्स हैं उसे यहाँ से 3 महीने का सब्सक्रिप्शन मिलेगा अन अकेडमी की तरफ से, और जो भी 4 to 150 हैं उन्हें मिलेगा अमेजोन की तरफ से एक वाउचर. अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर आप लोग प्लस ले रहे हैं, आइकॉनिक ले रहे हैं, कोई भी विचार अगर बना रहे हैं, तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल सकता है अगर आप मेरा नाम यूज करते हैं, दैट इज साहिल 1 कोड. तो आप इसे यूटिलाइज कर सकते हैं और अन अकेडमी पे बहुत सारी स्टडी कर सकते हैं जो कि वहां मिली हुई है. ठीक है ना. ओके गाइस, सो मुगल्स पे आने से पहले एक छोटा सा सेक्शन है दिल्ली सल्तनत का, हमारा कल रह गया था 5 मिनट्स से, पहले इसे कवर कर रहा हूँ. ये बीच में से गैप करता कि स्पेशल एक वीडियो बनानी है मुगल्स के ऊपर, वो मेरे को नहीं समझ में आता. आई रियली वॉन्ट कि स्टडी करानी है, कोई फालतू की चीजें मेरे से नहीं हो पाती कि मैं कोई भी वीडियो बना के ला लूं. ये करने के लिए बहुत सारे लोग हैं. ओके नाउ कम टू द मंगोलियन इन्वेजन. ये हम लोगों ने कल देखा था दिल्ली सल्तनत के टाइम पे. मंगोल्स बार बार कोशिश कर रहे थे, चाहे हमने खिलजी के टाइम पे देखा हो, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे देखा हो. तो हमें बस याद होना चाहिए किसके टाइम पे कौन आया था, किसके टाइम पे कौन आया था. लाइक 2021 में, सॉरी 2021 कह रहा हूँ, 1221 में चंगेज खान आया था. चंगेज खान किसके समय पे आया था, इल्तुतमिश. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, 1286 में तमार आया था बलबन के समय पे. नॉट सो मच इंपॉर्टेंट बट इसे याद रखना फिर भी. ठीक है, 1292 में अब्दुल्ला केम टू इंडिया, जलालुद्दीन खिलजी. नॉट इंपॉर्टेंट. 1304 में अली बेग और ताश आए थे, कब, अलाउद्दीन खिलजी के समय पे. इंपॉर्टेंट है. देन हमारा तरमशरीन खान आया था मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे. जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, वो है इसकी सीरीज. ठीक है ना, वो है इसकी सीरीज. लाइक सबसे पहले क्या हुआ, 1221, 1286, 1292, 1304, 1329. तो ये जो सीरीज है वो आपको याद रखनी है कि सबसे पहले कौन आया था, उसके बाद कौन आया था, उसके बाद कौन आया था. अपार्ट फ्रॉम दैट, राजा आपको चार ही याद रखने हैं, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन और इल्तुतमिश. जो बीच में जलालुद्दीन खिलजी हैं इनकी वैल्यू इतनी नहीं है, तो आप इन्हें इग्नोर कर सकते हैं. जी हाँ सुनील, आई एम थिंकिंग ऑफ इट, माइट बी फ्रॉम टुमारो, और टुमारो कल, कल एक ही दिन यार, 2 दिन तो नहीं, तो हो सकता है मैं कल रेस्ट लूं. ओके, अगर मैं पूरी दिल्ली सल्तनत का एक एडमिनिस्ट्रेशन का कच्चा चिट्ठा निकालने की कोशिश करें तो ये है कि भैया इन्होंने अपने आप को फेथफुल डिक्लेयर कर रखा था किसके, खलीफा के. ये खलीफा आपको आगे भी देखने को मिलेंगे मॉडर्न हिस्ट्री में कि खलीफा के वजह से कुछ इश्यू हुआ. ये वाले नहीं होंगे लेकिन खलीफा की पोस्ट होगी. होता क्या था, बगदाद में खलीफा बैठते थे जो कि मुस्लिम्स को, यानी इस्लाम को हेड करते थे. एक तरीके से इन्हें रिलीजियस हेड माना जाता था. तो जितने भी राजा पूरे विश्व में थे वो ये कहते थे कि भैया हम इनके सबॉर्डिनेट हैं, हम इनके अंडर में काम कर रहे हैं. हालांकि ये खत्म, ये कॉन्सेप्ट आके मुगलों ने खत्म कर दिया था. मुगल बोले कि नहीं भाई, ठीक है ना, नहीं भाई, मैं तो
हम तो अपने हैं, हम किसी को नहीं मानते, कौन खलीफा वगैरह। तो मुगल्स का कॉन्सेप्ट अलग था, हालांकि ये लोग मानते थे, ठीक है ना। तो खलीफा एक केवल मॉरल पोजीशन थी, केवल नाम की थी। जैसे हम ही लोग कह देते हैं, जैसे कोई लड़का है जिसने अपनी मेहनत से सब कुछ लिया हो, सपोज उसने अपनी मेहनत करी हो, जॉब करी हो, फिर एक कार ले, तो वो कहता ही है कि नहीं, जो भी है मेरे मॉम डैड का है, मेरा नहीं है। तो दिस इज अ मॉरल पोजीशन जो आप अपने पेरेंट्स को, जब आप जिन्हें प्यार करते हो, जिन्हें रिस्पेक्ट करते हो, उन्हें देते हो, ठीक है ना। पॉलिटिकली लीगल मिलिट्री, जो भी पूरी पावर थी सुल्तान के पास थी, ऐसा कुछ भी नहीं था कि कोई भी चीज खलीफा वहां से टैकल कर रहे हैं। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, मुस्लिम रूलर्स में सबसे अजीब चीज थी वो ये थी कि कोई लॉ ऑफ सक्सेशन नहीं था। ये कभी डिसाइड नहीं था कि किसका बच्चा राजा बनेगा। तो जिसको जिसके पास ताकत थी वही चलता था, जिसे जिसे मारने का मन करता था उसे मार के राजा बन जाते थे। तो बड़ा ही इजी इजी कॉन्सेप्ट चलता था, ठीक है ना। जिसे जिसका मारने का मन करता था उसे मार के बैंड बजा के चले जाते थे। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, मिलिट्री स्ट्रेंथ वॉज द मेन फैक्टर। इनकी जो सबसे ज्यादा बड़ी ताकत थी वो थी मिलिट्री स्ट्रेंथ। इनकी सबसे बड़ी जो ताकत थी वो इनकी आर्मी थी, वो हमने देखी भी है, ठीक है। इनकी आर्मी का अगर मैं एडमिनिस्ट्रेशन कुछ देखूं तो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस था इनके पास, जिसे हम वजीर कहते हैं। यूपीएससी ने ऐसे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, ठीक है ना। मिलिट्री डिपार्टमेंट को अर्ज ममलिक, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स रियास मलिक, ठीक है ना। ये डिपार्टमेंट कुछ फिरोज शाह तुगलक के हैं, फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे कुछ अलग डिपार्टमेंट से, लाइक डिपार्टमेंट ऑफ स्लेव्स, दीवान बंधन, डिपार्टमेंट ऑफ चैरिटी, दीवान खैरात, डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन, दीवान थाक। तो ये जो है ये सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कीवर्ड्स हैं, इसे अवॉइड ना करें, ठीक है ना। ये सारे कीवर्ड्स हैं, इसे आप अवॉइड ना करें, ठीक है ना। अगर इनके एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की बात करी जाए, किस तरीके से बांट रखा था, जैसे हमारे यहाँ सेंटर होता है, स्टेट्स होता है और लोकल होता है, वैसे भी इन्होंने भी बांट रखा था। सबसे ऊपर आते थे प्रोविंस, दैट मीन स्टेट्स, जिसे हम इक्तास कहते थे, इसके हेड होते थे मुक्ति। फिर आते थे डिस्ट्रिक्ट, जिसे हम शिक कहते थे, इसके हेड होते शिकदर। फिर उससे नीचे हमारे ब्लॉक्स टाइप आते थे, जिसे हम कहते थे परगना, यहाँ पे होते थे चौधरी या अमिल। फिर होते थे ग्राम, जिसका होता था मुकदम, ठीक है ना। तो ये कुछ नाम है, बेसिक्स हैं, कीवर्ड्स हैं ये, और ये एनसीईआरटी में इतने अच्छे से नहीं दिए हुए हैं, तो इसे आप लोग थोड़ा सा अपने पास ध्यान से रखें, क्योंकि अगर एनसीईआरटी की रीडिंग करेंगे तो यू विल मिस देम, तो ये चीज वहां मिस हो जाती है। नाउ कम टू द आर्ट एंड आर्किटेक्चर। अगर मैं दिल्ली सल्तनत के आर्ट एंड आर्किटेक्चर की बात करूं, तो दिल्ली सल्तनत का जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर था, कुछ नए नए कॉन्सेप्ट देखने को मिला। एक तो हमें दोम का कॉन्सेप्ट देखने को मिला, हालांकि हमारे पास स्तूप में ऐसा था, लेकिन इनके दूम थोड़े अलग तरीके के थे, लाइक अंदर से भी कुछ होता था स्ट्रक्चर। और लोफ्टी टॉवर्स, बड़े बड़े टॉवर्स देखने को मिले हमें चारों तरफ बनाए गए, ठीक है ना। एक अजीब से हमें ट्रू आर्च देखने को मिले, एक बहुत ही अच्छी डिजाइनिंग हमें देखने को मिली ब्रिक्स से। तो ये सब अभी हम देखते हैं इन्होंने कैसे बनाया, ठीक है। इन्होंने कॉन्क्रीट और मोर्तार के यूज से बनाना शुरू किया। बेहतरीन एग्जाम्पल की अगर बात करें तो दाईदीन का झोपड़ा, जो कि अजमेर में, जो कि एक प्रेयर हॉल की तरह यूज होता है। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, फर्स्ट एग्जाम्पल हमें देखने को मिला वॉर्सॉइड आर्च का। वॉर्सॉइड आर्च की इमेज आई थिंक मैंने मिस कर दी है। वॉर्सॉइड इमेज क्या होता है, इसे जरा मैं समझाने की कोशिश करता हूँ थोड़ा सा। जैसे ये दो पिलर्स हैं, इनके बीच में ईंटों को चिपका चिपका के बनाया जाएगा गुंबद टाइप। इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाया जाता था कि वो गुंबद बन जाए। हालांकि मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, तो थोड़ा सा रहम करें, समझने की कोशिश करें, भावनाओं को समझें। कुछ इस तरीके से धूम बनाए जाते थे पत्थरों के, यानी ईंटों को जोड़ जोड़ के, जोड़ जोड़ के, जिससे हम कहते थे वॉस्ट्रॉइड आर्च, ठीक है ना। ये आर्ट एंड कल्चर में भी आपको पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। टॉम्ब ऑफ निजामुद्दीन औलिया, जो कि दिल्ली में बनवाया गया था मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा, ये भी वॉस्ट्रॉइड आर्च का एग्जाम्पल है। अब आप जाओगे तो देखना कि वहां पे कैसा आपको दिखता है। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, इनके यहाँ हमारे कंस्ट्रक्शन हुआ डबल डूम्स का। डबल डूम्स कैसे होते हैं, यानी कि आपको बाहर से भी डूम दिखेगा, अंदर से भी दिखेगा। लाइक ये बाहर से डूम है और ये अंदर से भी है, या अंदर से भी ये है, यानी कि अंदर एक बंदा यहाँ खड़ा है तो उसे ऐसा लग रहा है धूम उसके पास है, और बाहर खड़ा है तो उसे लगता है धूम बहुत ऊंचा है। तो इस तरीके से ये बनाया गया है, ठीक है ना। तो ये कॉन्सेप्ट हमें देखने को मिलता है डबल डूम का, ठीक है। तो ये डबल डूम एंड वॉस्ट्रॉइड आर्च, ये दोनों थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पर ज्यादा ध्यान रखना। नाउ इनकी बुक्स एंड ऑथर्स ये कॉमन ही है। इब्ने बतूता की बुक किताबुल रहला इंपॉर्टेंट है, यस। अमीर खुसरो की बुक्स इंपॉर्टेंट है, यस। कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है, तुगलक नामा इज इंपॉर्टेंट, आईना सिकंदर इज इंपॉर्टेंट, नूह सिपेर इज इंपॉर्टेंट, लैला मजनू इज नॉट इंपॉर्टेंट। एक वही नाम है जो आपको याद रहेगा, यानी कि चारों ही आप याद कर सकते हैं। मिनाज उस सिराज, यस, दिस बुक इज इंपॉर्टेंट। अच्छा, मैंने सारी इंपॉर्टेंट ही तो लिखी थी इसमें, हाँ।
बुक्स तो बहुत सारी थी, मैं कहूंगी सारी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट कैसे आ गई, ऑल ही इंपॉर्टेंट मैंने यहाँ पे दी थी। क्या हुआ राज, क्या नहीं समझ में आया बेटे? ठीक है, अलबरूनी, अलबरूनी की किताब थी तहकीक हिंद, इंपॉर्टेंट है। तारीख फिरोजशाही, ये उल्टा है, ये उल्टा है, ठीक है ना। बुक का नाम यहाँ आएगा, तारीख फिरोजशाही बुक है, और लिखने वाले व्यक्ति बरानी है, एंड फतवा है फिरोजशाही, ये उल्टा हो गया नाम, ठीक है ना। फिरोज शाह यहाँ, यानी कि फिरोज शाह ने ये बुक लिखी है, एंड फिरदौसी ने लिखी है शाहनामा। ये तीन नाम उल्टे हो गए हैं, इसे थोड़ा सा ध्यान रखना। आज मेरी तबीयत बहुत ज्यादा ही खराब हो रही है, आई थिंक आई एम फीलिंग वेरी लो, लो साउंड कर रहा हूँगा मैं, आप लोगों को महसूस हो रहा होगा, एंड आज ज्यादा ही खराब है, 3-4 दिन से है, बट मैं थोड़ा सा ध्यान नहीं दे पा रहा था। तो आर्ट एंड कल्चर वाली साइड रिपीट करनी है। ओके, आर्ट एंड कल्चर वाली स्लाइड में ये था मेरे बच्चे कि जो हमारे वॉस्टर्ड आर्च होते हैं, ये कैसे आर्च होते हैं, ये ब्रिक्स से जोड़ जोड़ के बनाए जाते हैं। जैसे ब्रिक है, फिर इसे जोड़ा, यहाँ पे एक ब्रिक लगा दी इसे जोड़ने के लिए, ठीक है ना। मतलब ब्रिक्स के बलबूते पे बनाई जा रही थी एक आर्च। इस तरीके से इस आर्च को कन्वर्ट कर दिया जाता था कि वो पूरा हमें ऐसे राउंड में आते हुए दिख जाती थी, मतलब एक पूरा इस तरीके का सर्कल देखने को मिल जाता था ब्रिक्स से, हम कहते हैं वॉस्टर्ड आर्च, ठीक है ना। और डबल डूम्स का कॉन्सेप्ट मैंने अभी भी बताया ही, ये अंदर से भी होगा एंड बाहर से भी होगा, ठीक है। और क्या है बाकी, सब तो सिंपल लिखा ही लिखा है, लोफ्टी टॉवर्स, बड़े बड़े टॉवर्स बनवाने का कॉन्सेप्ट इन्होंने स्टार्ट किया, ठीक है ना। ओके, सो लेट्स बिगिन विद द मुगल्स फाइनली। ओके, मुगल पीरियड को हम स्टार्ट करते हैं, जल्दी से रिवाइज करते हैं। मुगल पीरियड की जो स्थापना करती वो थे बाबर भाई साहब, 1526 से 1530, 4 साल ही रूल कर पाए थे, ठीक है ना, 4 साल ही रूल कर पाए थे। सो द फाउंडेशन ऑफ मुगल रूल हमारे इंडिया में रखी इन्होंने, हमने पढ़ा था लोधी को हराया था इन्होंने, ठीक है। बाबर के जो पापा थे, बाबर के जो पापा थे वो फरगना, यानी कि उज्बेकिस्तान के रूलर थे, यानी कि बाबर कोई ऐसा नहीं था कि कहीं से उठ के आया हो, बाबर डेफिनेटली एक राजा का बेटा था। और इसका जो टारगेट था, इसे इनवाइट किया गया था कि भैया आओ, ये देखो दौलत खान लोधी, इन लोगों ने इनवाइट किया था कि आओ और हमारे लोधी साहब को हराओ। उन्हें ये नहीं पता था लोधी साहब को हराएंगे तो हमें छोड़ देंगे, हमने किसी को नहीं छोड़ा, ठीक है ना। पहले के राजा होते बड़े सही थे, पहले के राजा होते बड़े सही थे। एक बंदा एक राजा को देखता था, कहता था यार मैं इस राजा को मार नहीं सकता, तो मैं किसी और को लेकर आऊंगा जो इसे मारेगा। और वो सोचते थे कि इसे मारकर फिर गद्दी मेरे को दे देगा, यार उसका दिमाग खराब है, जब वो राजा को मार ही पा रहा है फिर तेरी क्या जरूरत है उसे, ठीक है। सो यहां पर हमें देखने को मिलता है ये तिमूर इन्वेजन में, यानी कि हमने तिमूर इन्वेजन पढ़ा था, जो कि मैंने आपको बताया था कि तिमूर और चंगेज खान के खानदान के थे ये। देखो मम्मी के साइड चंगेज खान थी और पापा के साइड तिमूर था, तो समझ सकते हैं कितना खतरनाक ब्लड था। तो इन्होंने भैया काबुल को कैप्चर कर लिया था 1504 में, फिर आगे चल के 20 साल बाद इन्होंने इंडिया के अंदर भी दिल्ली तक ये पहुंच चुके थे। इन्हें इन्वाइट किया गया चीन द्वारा। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, इनके बैटल्स में अगर बात करें, सबसे बैटल इंपॉर्टेंट है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत का युद्ध 1526 में जो कि लड़ा गया था, किन किन के बीच में हुआ था, बाबर वर्सेस इब्राहिम लोधी, यानी कि मंगोल्स वर्सेस अफगान्स, ये शब्द याद रखना, मंगोल्स वर्सेस अफगान्स, यानी कि यहाँ पे अफगान्स का युद्ध हो रहा है। जैसे कि हमने देखा था कि लोधीज वर द फर्स्ट अफगान डायनेस्टी इन इंडिया, बाबर ने पहली बार तोपों का इस्तेमाल किया भारत में, या भारत में ना कहा जाए नॉर्थ इंडिया में, किसी किसी किताब में इंडिया लिखा है, और लेकिन साउथ इंडिया के जो हिस्टोरियंस हैं वो इस चीज पे कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ नॉर्थ इंडिया लिखा है ताकि आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूजन से बाहर रहे। ओके, बाबर अपने साथ दो बहुत ही बेहतरीन गनर्स लेकर आया था जिनका नाम था उस्ताद अली और मुस्तफा। आपने अगर केसरी मूवी देखी होगी तो केसरी मूवी में उसमें गनर दिखाया है, स्पेशल गनर, वो जो पेड़ के पीछे छुप के लंबी सी गन से निशाने मारता था, अक्षय कुमार उसे मारने जाता है, क्या था, मैंने पूरी मूवी नहीं देखी है, जब भी मैंने टीवी ऑन किया वो एक ही सीन आ रहा होता है, पता नहीं क्यों मैं उस सीन से आगे बढ़ नहीं पाता, ठीक है ना, मैं उस सीन से आगे बढ़ नहीं पाता। उस्ताद अली और मुस्तफा भी उसी ही साइड के थे, मतलब उसी स्टाइल के थे। बाबर ने इब्राहिम लोधी को हराया फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। हमें यह क्वेश्चन यूपीएससी में देखने को मिल चुका है कि सारे युद्ध पानीपत पे ही क्यों हुए हैं, ठीक है ना, सारे युद्ध पानीपत पे ही क्यों हुए हैं, ठीक है।
और मॉडर्न हिस्ट्री का एक क्वेश्चन है कि सारे एग्रीमेंट्स या सारी सिचुएशन में हर लीडर यही क्यों कहता है कि दिल्ली चलो, व्हाई दिल्ली वाज द सेंट्रल ऑफ इन मॉडर्न हिस्ट्री। इन दोनों क्वेश्चंस के जरा आंसर खुद से ढूंढना, और नहीं ढूंढ पाओ तो फिर हमसे पूछना, तो फिर थोड़ी सी मदद मैं कर दूंगा, ठीक है, थोड़ी सी। तो पानीपत, ये देखा जाता है पानीपत में हमारी मेडिवल हिस्ट्री थी, एंड जो ये दिल्ली है यहाँ पर मॉडर्न हिस्ट्री बहुत ज्यादा हमारी है, स्पेशली आफ्टर 1911, जो हमारा पूरा फ्रीडम स्ट्रगल है 1911 से 1947। हर कोई व्यक्ति ये कह रहा है कि भैया दिल्ली चलो, दिल्ली चलो, गांधी जी कहते हैं दिल्ली चलो, सुभाष चंद्र बोस कहते हैं दिल्ली चलो, नेहरू जी कह रहे हैं दिल्ली चलो, हर कोई दिल्ली आना चाहता था। दिल्ली में ऐसा क्या था यार, सोचने वाली चीज है। तो सोचो सोचो, जिन लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी है वो तो डेफिनेटली सोचे कि ऐसा क्या था, ठीक है, क्योंकि यूपीएससी ने ये किताब में तो लिखा नहीं दिया कि हर कोई दिल्ली क्यों जाना चाहता था। ओके, सो 1526 में 2 अप्रैल को अप्रैल फूल हो गया बेचारे के साथ, और यहाँ पर इब्राहिम लोदी को फूल बना दिया गया, और बाबर ने पूरी सत्ता हत्या ली, ठीक है ना। तो मुगल डायनेस्टी की स्थापना हुई, और ये तब तक चली जब तक ब्रिटिश रूल इंडिया में था। बेसिकली मुगल जो एम्पायर था वो थोड़ा कंफ्यूजिंग चला है, 1526 में स्टार्ट होकर 1540 में खत्म भी हो गया था। 15 साल बीच में एक हमें गैप देखने को मिलेगा, देन 1555 से 1857, ये एक लंबा समय है, ठीक है ना। यहाँ पे हमें 15 साल का गैप देखने को मिलेगा, तो उसमें आएगी सूरी डायनेस्टी, उसे भी हम देखेंगे। देखो पानीपत वाले का तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि पानीपत में फैसिलिटीज थी, ठीक है ना। ये जो ये वाला जो क्वेश्चन है दिल्ली वाला, ये मैंने क्वेश्चन पहली बार ही पूछा, आज कह रहा आपने पहले भी क्वेश्चन पूछा था, दिल्ली वाला क्वेश्चन मैंने आज तक पूछा ही नहीं है, ठीक है ना। ये मेरे दिमाग में अभी अभी आया, तो मैं लिटरली देखना चाहूंगा कि दिल्ली के लिए आप लोग क्या आंसर करते हैं, ठीक है। सो जस्ट वेट, एक दिन का वेट कर सकते हो, बता दूंगा, ठीक है। मैं देखना चाहता हूँ कोई मेरे को इसका कुछ आंसर दे, अच्छा तो जरा मैं देखेंगे। अच्छा, पानीपत में लड़ाई क्यों हुई थी, इसका तो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि पानीपत के पीछे जो रीजन था वो था, देखो यार, कि आप बैठे हो दिल्ली में, कोई बाहर से आ रहा है तो आप उससे क्या कहोगे कि मैं तेरे एरिया में आ रहा हूँ लड़ने, मैं तेरी एरिया में आ रहा हूँ लड़ने। आंसर इज नो, हम उससे कहते हैं तू आ हमारे एरिया में, ये हमारा एरिया है, ये मेरा इलाका है, ठीक है ना, तो तू आ मेरे इलाके में। तो दिल्ली के पास बुलाया जाता था पानीपत में। अब आप कहोगे पास क्यों बुलाया जाता था, देखो वॉर के टाइम आर्मी भेजने में आसानी होती थी, फूड भेजने में आसानी होती थी, पानीपत के जो बॉर्डर है, पानीपत के आसपास जो बॉर्डर है रिवर्स से घिरा हुआ है, तो उससे हमारे सिक्योर हो जाता था दिल्ली। तो कहने का मतलब है कि ज्योग्राफिकल इंपॉर्टेंस अच्छी थी पानीपत की, ठीक है ना, यानी कि लोकेशन एक तो बहुत मैटर करती है, दिल्ली के क्लोज था, फूड अवेलेबिलिटी थी, ठीक है ना, एंड जो भी एम्पायर होता था उसको फैमिलियर लगता था, तो इसीलिए पानीपत में ही बुलाया जाता था कि भैया यहाँ आ जा। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, ये बॉर्डर पे था, यानी कि इससे आगे आ गए तो भैया दिल्ली टच कर दिया ना, दिल्ली के अंदर थोड़ा युद्ध करेंगे, अपने घर के अंदर बुला के थोड़ा ना कहूंगा कि भैया तलवारें चला, मेरे घर का भी तो नुकसान होगा, बाहर लड़े जितना लड़ना। तो बाहर लड़ा जाता था, घर के अंदर नहीं लड़ा जाता था, बाहर लड़ने की कोशिश करी जाती थी, ठीक है ना। तो पानीपत का रीजन तो बहुत सिंपल है, बस दिल्ली का तुम मेरे को बताना। यस ओके, तो और क्या देख सकते हैं हम भैया, दिस वाज द फर्स्ट बैटल जिसमें सुल्तान ऑफ दिल्ली को मारा गया था, यानी कि लोधी को मार दिया गया था, और बाबर ने एक साथ दिल्ली और आगरा को कैप्चर करके अपने अंडर में ले लिया था। और भी कुछ बैटल्स थी, इसने हुमायूं अपने बेटे को भेजा कि भैया जाओ तुम इन्वेड करके आओ, ये ग्वालियर गया था और वहां पे इसने हराया था प्रतिहार किंग्स को, राजा विक्रमजीत को, ठीक है। हुमायूं ने विक्रमजीत को हरा के कोहिनूर डायमंड ले आया था, और कोहिनूर डायमंड लाके अपने पिताजी को गिफ्ट किया, और उस डायमंड का पहली बार नाम रखा गया बाबरी, अपने पापा के नाम पर। ऐसे बेटे होने चाहिए कोहिनूर लाकर गिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है। फिर एक बैटल आता है, बैटल ऑफ कनवा 1527 में, ये बैटल हुआ राणा संगा, जिन्होंने बुलाया था बाबर को कि आओ भैया आओ आओ आके युद्ध करो, कहां पे हुआ, फतेहपुर सीकरी यानी कि आगरा के पास। इस बैटल में क्या हुआ, इस बैटल में ये हुआ कि जब बाबर ने राणा संगा को देखा या राणा संगा की आर्मी को देखा, तो बाबर को एक पल को लगा कि यार ये युद्ध निकल गया हाथ से, ये निकल गया, ये हम हार जाएंगे, कि राणा संगा बहुत ही स्ट्रांग था और बाबर उस जगह से इतना फैमिलियर वे भी नहीं था। तो ऐसे में बाबर ने अपनी आर्मी के अंदर एक जोश भरने के लिए, अपने आर्मी का जो डर है उसे खत्म करने के लिए,
इस युद्ध को नाम दिया होली वॉर। उसने कहा कि भैया ये तो जिहाद है, यानी कि हम ईश्वर के लड़ रहे हैं। और जब लोगों के मन में ईश्वर का नाम आ जाता है तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। तो इसने अपनी आर्मी का हौसला बढ़ाने के लिए इस युद्ध को नाम दिया होली वॉर, यानी कि एक धर्म युद्ध है। महाभारत में भी जब भी अर्जुन का आत्मविश्वास टूटता था तो श्री कृष्ण उससे क्या कहते थे कि ये धर्म युद्ध है, हमें धर्म की स्थापना के लिए युद्ध करना है। क्योंकि वो अगर ये कहते कि अर्जुन से कि आप अपने बदले के लिए कर रहे हैं, आप अपने बदले के लिए कर रहे हैं, तो अर्जुन के लास्ट में कहता मुझे बदला लेना ही नहीं है, जो हुआ 14 साल पहले हुआ, अब तो हम आगे आ चुके हैं उस चीज से, हम उस चीज से आगे निकलना चाहते हैं, अपना जीवन जीना चाहते हैं। 14 साल में तो काफी घाव भर जाते हैं, लेकिन कृष्ण जी बार बार याद दिलाते हैं कि ये धर्म युद्ध है और उन्हें एक बार फिर मोटिवेट किया जाता है। वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर था। बाबर ने अपने आप को गाजी का टाइटल दिया, यानी कि अपने आप को खुद इतने बड़ा ओहदा दे दिया, और यहीं से लोगों को मोटिवेट किया गया अपनी सेना को कि एक धर्म युद्ध है। ठीक है, बाबर ने ये बैटल जीता, साथ ही इसने राणा संगा की ब्रेवरी की भी तारीफ करी, उनकी बहादुरी की तारीफ करी है अपनी किताबों में। ठीक है, और यहाँ पर एक अफगान थे महमूद लोधी जो कि लड़ रहे थे राणा संगा की साइड से, इन्हें भी उठा के पटक दिया गया था। ठीक है, देन आता है हमारा बैटल ऑफ चंदेरी बिटवीन मेहंदी राय एंड बाबर। यहाँ भी बाबर जीत गया था, ये हुई थी एमपी में। फिर होता है बैटल ऑफ घग्गर, मुगल्स वर्सेस अफगान्स वंस अगेन। ठीक है, यहाँ पर कौन आया, महमूद लोधी और नुसरत शाह, ये दोनों मिलकर आए। मुगल्स को लेड करने वाले थे बाबर, हुमायूं, अस्करी मिर्जा, यानी कि बाबर के सारे लड़के, इतने सारे तो बेटे होते थे, वो पूरी फौज लेके तो वही चलते थे। ठीक है ना, तो बाबर और उसके बच्चों ने ये फिर इजिली जीत लिया, और इस युद्ध के बाद बाबर ने बिहार भी जीत लिया। कहने को बाबर ऑलमोस्ट पूरा नॉर्थ इंडिया जीत चुका था कुछ ही टाइम के अंदर, सिर्फ 4 साल के अंदर। बाबर कंटिन्यूअसली युद्ध करता रहा और कंटिन्यूअसली अपने एम्पायर को बढ़ाता रहा। सिमरन इज सेइंग टाइम हील्स एवरीथिंग, इज इट राइट? यस, आई थिंक मैं भी मानता हूं इस चीज को कि यस इट इज राइट, कि वक्त हर घाव भर देता है। ठीक है ना, हम लोग बताऊं क्या करते हैं, हम लोग पेशेंस हार जाते हैं, सभी के लिए, मेरे लिए भी है। कई बार हमारे साथ कुछ ऐसा होता है, वी आर इन पेन, तो फिर हमें लगता है कि शायद सब यहीं खत्म हो गया है। लेकिन अगर हम उस समय पेशेंस रखें, हम वेट दें अपने आप को, 1 month, 2 months, 3 months, 1 year, डेफिनेटली उसी दिन 1 साल बाद यू विल फील लाइक कि यार मैं पागल था जो मैं नेगेटिव सोच रहा था उससे। तो पेशेंस एंड टाइम, दिस इज द बिगेस्ट हीलर इन द वर्ल्ड। सो ये आप सभी के लिए है, कभी भी लाइफ में कोई फेलियर हो, नॉट टू वरी, जस्ट गिव योर सेल्फ टाइम। खुद को टाइम देना बहुत जरूरी होता है। कई बार अभी मेरी किसी से बात हो रही थी, तो यूपीएससी का स्टूडेंट ही था, तो ही सेड कि मेरे पास अब केवल 4 महीने बचे, मुझे नहीं लग रहा मैं यूपीएससी कर पाऊंगा, और मेरी मेंटल सिचुएशन अच्छी नहीं है, मैं बहुत परेशान हूँ, पता नहीं जो भी है उसके पर्सनल रीजंस। सो आई सेड जस्ट गिव योर सेल्फ टाइम, अपने आपको टाइम दीजिए, टेक योर टाइम, कोई बात नहीं, यूपीएससी नहीं निकलेगा ना, लेकिन 4 महीने में अगर तू रिकवर कर गया तो अगले साल तू निकाल देगा हंसते खेलते। तो जस्ट अपने आप को थोड़ा सा रिवाइव करें सभी के लिए। सेंटर ऑफ इंडिया है शायद इसलिए सिल्क रोड दिल्ली से ही जाता था, टैक्स ज्यादा जनरेट होता था। नहीं राज, आपका आंसर ये गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं था। ठीक है, ओके, बाबर के अगर लास्ट डेज की बात करें, 26 दिसंबर 1530, इन लोगों की जितने भी राजाओं की डेथ होती थी, पता नहीं दिसंबर में क्यों होती थी, इसकी 26 दिसंबर, इसके बेटे की 31 दिसंबर, तो ठंड नहीं झेल पाते थे, क्या करते थे। बाबर की डेथ हुई आराम बाग में, आराम बाग आगरा में है, जो कि बनवाया था बाबर ने खुद। बाबर बागों का शौकीन था, बाग मतलब शेर नहीं, बहुत सुंदर सुंदर ऐसे बाग बनवा देता था। देखो बाबर को मतलब पार्क्स का बहुत शौक था, बड़ा रोमांटिक काइंड ऑफ बंदा था। यहाँ आके अपनी रानियों के साथ बैठा रहता था, मूंगफली खाता रहता था और चुगली करता रहता था। तो ऐसे 4 बाग का कॉन्सेप्ट हमें देखने को मिलता है बाबर के समय पे। ऐसे ही इसने एक बाग बनवाया था, आराम बाग, आराम बाग यमुना नदी के किनारे आगरा में। बाद में उसका नाम बदल के कर दिया गया राम बाग। ठीक है ना, ओके, इसकी बॉडी को बाद में काबुल ले जाया गया और फिर वहीं दफनाया गया। हुमायूं जो कि इसका बेटा था, उसने आगरा में अपने आप को राजा घोषित किया। ठीक है ना, अपने आप को राजा घोषित किया। बाबर ने क्या क्या काम करे थे जरा देख लेते हैं। बाबर पहला व्यक्ति था जिसने गन पाउडर यूज करी इंडिया में। इसकी ऑटोबायोग्राफी तुजुक के बाबरी, जो कि तुर्की भाषा में थी, इसने खुद लिखी थी। ठीक है ना, और तुजुक के बाबरी को ट्रांसलेट किया गया पर्शियन में, जिसका नाम फिर बन गया बाबर नामा। तो बाबर नामा किसने लिखी, अब्दुल रहीम ने।
ठीक है, इसी किताब को इंग्लिश में भी कन्वर्ट किया गया बाय मैडम बेवरेज ने। तो भैया ये जो ये वाला पॉइंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एवरीवन शुड रिमेम्बर। ओके, ही वाज नोन एज प्रिंस ऑफ ऑटोबायोग्राफी। इसे प्रिंस ऑफ ऑटोबायोग्राफी कहा जाता था। बहुत सारी किताबें खुद लिखी हैं और कोशिश करता रहता था। ये अपने आप को कलंदर कहता था, कलंदर, मस्त कलंदर, ठीक है ना। ये पहला मुगल किंग था जिसने अपने आप को बादशाह का टाइटल दिया था। दिल्ली सल्तनत में हर कोई अपने आप को सुल्तान का टाइटल दे रहा था, इसने सुल्तान नहीं, इन्होंने बादशाह का कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया, ठीक है। बादशाह का कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया और अपने आप को बादशाह पूरी तरीके से डिक्लेयर किया। ही इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ चार बाग। इसने चार बाग का कॉन्सेप्ट भारत में स्टार्ट किया, जो कि हमने ये तस्वीर में दिखाया आपको कि चार बाग का कॉन्सेप्ट इसने स्टार्ट किया। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, इसके जो रीजन था, जो इसका टाइम था, उसे कहा जाता है बिल्डिंग गार्डन्स, यानी कि गार्डन बिल्डिंग का टाइम कहा जाता है। इतने सारे गार्डन्स बनवाए गए, बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ गार्डन की स्ट्रीम्स में, ठीक है। इसने आराम बाग बनवाया आगरा में, जिसका नाम था राम बाग, ठीक है ना, ये मैंने अभी बता दिया था। इसने मेहताब बाग बनवाया, ये भी आगरा में है, ठीक है। इसने नूर सुपेर बाग बनवाया धौलपुर में, ठीक है। इसके टाइम पे बाबरी मस्जिद एक बनवाई गई थी, जो कि बनवाई गई थी मीर बाकी द्वारा, मीर बाकी या अबुल बाकी, जो कि इसका कमांडर था। यानी कि बाबर ने वो मस्जिद नहीं बनवाई थी, वो मस्जिद बनवाई थी मीर बाकी या अबुल बाकी ने, जो कि कमांडर था। बाबर भारत में लाया था गुलाब के फूल। गुलाब के फूल कहा जाता है, उससे पहले भारत के लोगों को नहीं पता था कि गुलाब के फूल क्या होते हैं, तो ईरान से रोज लेकर आया था, ठीक है। इसने यहाँ आकर पोएम्स कुछ लिखी थी, ठीक है ना, जिसमें एक दीवान थी, मुबैया थी, और इसने कुछ और भी लिखा था, रिसल ए उसस, यानी कि लेटर्स ऑफ बाबर। इसने जो चिट्ठियां लिखी थी उसको भी नाम दिया गया है। तो बाबर के बारे में काफी सारी चीजें हमें पढ़नी होती हैं। रीजन है क्योंकि एग्जामिनर को लगता है बच्चे बाबर वगैरह को छोड़ के अकबर और शाहजहां पे ज्यादा फोकस करते हैं, इसलिए यूपीएससी कई बार बाबर को हिट करता है। हुमायूं पे हिट करने के लिए उसके पास कुछ ज्यादा बचता नहीं है। अगर मैं हुमायूं की बात करूं तो हुमायूं का रीजन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड रहा। जैसे कि हम देख सकते हैं, बाबर की डेथ हो रही थी 1530 में, तो 1540 तक तो सब कुछ चलता रहा कुशल मंगल। 40 में युद्ध हार गए और बीच में 15 साल का गैप आ गया, और इस 15 साल में आ गई सूरी डायनेस्टी। सूरी डायनेस्टी, सूरी डायनेस्टी को भी अभी के अभी हम यही देखेंगे। तो सूरी डायनेस्टी हमारे देश में आ गई और किस तरीके से चलता है जरा देखते हैं। ये बाबर का बच्चा था, ठीक है ना। ओके, इसने इसके पापा ने जैसे कि इससे कहा था कि बड़े बेटे से कहा जाता है ना कि आप अपने पूरे एम्पायर को अच्छे से बांट दें, सब में बांट बूट के चलें, सब में प्रेम से चलें, तो इसने भी यही किया था। इसने भी यही किया, इसने अपने पूरे एम्पायर को बहुत ही अच्छे से अपने बच्चों में बांटा, अपने भाइयों में बांटा। लाइक जो इसका भाई था कामरान, उसे इनने गांधार का रीजन दिया, जो कि आज के टाइम का अफगानिस्तान का है। दूसरा इसका भाई था मिर्जा अस्कारी, उसे इसने मुरादाबाद वाला एरिया दे दिया था। एक था मिर्जा हिंदल, उसे राजस्थान का एरिया दे दिया था। एक था मिर्जा सुलेमान, उसे अफगानिस्तान बदकशन का एरिया दे दिया था। इतना इनने अपना बांट के फिर फाइनली अपने पास दिल्ली और आगरा इसने अपने पास रख लिया था। यानी कि बाबर का पूरा एम्पायर उसके बच्चों ने, ठीक है ना, बच्चों के लिए सब कुछ बांट बूट दिया था। अखिल हिज सिस्टर, इनकी सिस्टर थी गुलबदन बेगम, जिन्होंने लिखा था हुमायूं नामा, ठीक है। ओके, इनके टाइम पे क्या क्या हमें एक्सपीडिशन देखने को मिलते हैं? कुछ ज्यादा खास नहीं, क्योंकि इनका सामना एक ही बंदे से पूरे जीवन लड़ा रहा है, वो है शेरशाह सूरी, ठीक है ना। ओके, इन्होंने चुनार फोर्ट जीता था, जो कि वाराणसी के पास था, जो कि कंट्रोल में था शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी को डिफीट किया बट मारा नहीं, अपने दुश्मन को मारा नहीं, केवल उसे हरा कर छोड़कर आ गए, ये बोल के ये तो बच्चा है जी, तो बच्चा आगे चल के बहुत खतरनाक बन गया था जी, ठीक है। गुजरात एपिसोड हुआ, ठीक है ना, गुजरात एपिसोड हुआ, और वहां पर गुजरात एपिसोड में हुमायूं ने बहादुर शाह को हराया, जो कि उस समय गुजरात का राजा था। यहां से हुमायूं की पिक्चर खराब हो गई, बैटल ऑफ चौसा से। 1539 में बैटल ऑफ चौसा हुआ, जिसमें शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया। शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया और हुमायूं का जीवन उस समय बचाया एक व्यक्ति ने, जिसका नाम था निजाम खान। ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग कहानी थी। निजाम खान एक नाविक था, नाव चलाने वाला था। इसने हुमायूं को बचाया और इसे नदी वदी पे बैठा के बचा के ले गया कि भैया ये तो तेरे को मार देगा, आजा तेरे को बचा ले। तो हुमायूं जब दिल्ली पहुंचा तो इतना खुश था हुमायूं ने, इस जो व्यक्ति था निजाम खान, इसे एक दिन का राजा बनाया। तुम्हें क्या लग रहा है, नायक मूवी नया कॉन्सेप्ट है, नायक पुराना है? नायक तो बहुत
बेकार कॉन्सेप्ट है, ये था असली कॉन्सेप्ट। तो हुमायूं ने इसे एक दिन का राजा घोषित किया और बोला आज से आप एक दिन के राजा हैं। और ये बंदा उससे भी तगड़ा, उससे भी कर रहा। अगर आपको भाई एक दिन राजा बनने के लिए मिले, आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे उस जमाने में? तो हो सकता है आप बस आराम की लाइफ जिए। इसने कहा नहीं, मैं तो इकोनॉमी बदल के जाऊंगा। और निजाम खान ने एक दिन के राजा बनने के बाद लेदर कॉइन्स इश्यू कर दिए, यानी कि चमड़े के सिक्के इसने बना दिए और ये इशू किया कि आपसे चमड़े के सिक्के चलेंगे। तो यानी कि पूरे मुगल साम्राज्य में पहली बार कोई था जिसने लेदर और आखिरी बार कोई था जिसने लेदर के सिक्के चलाए हों, तो ये हमें पता होना चाहिए, पहली और आखिरी बार था जिसने कोई लेदर के सिक्के चलाए हों। ठीक है, तो पहली और आखिरी बार था जहां हमें लेदर के सिक्के देखने को मिल रहे थे। अगर बात करी जाए इंपॉर्टेंट एक्सपेडिशन, हुमायूं के कौन कौन से एक्सपेडिशन थे, ठीक है ना, अच्छा वही चल रहे हैं अभी, बैटल ऑफ कन्नौज, बैटल ऑफ कन्नौज और बिलग्रामी, यहां पर फिर एक बार हार देखने को मिली। शेरशाह ने एक बार फिर हुमायूं को हराया और हुमायूं इस युद्ध में आगरा और दिल्ली दोनों हार गया। और अब हुमायूं को सब कुछ छोड़ छाड़ के भागना पड़ा। हुमायूं भाग गया यहां से, और हुमायूं भागकर कहां पहुंचा, अमरकोट, जहां पे अकबर का जन्म हुआ था, सिंध में, जो कि आज के टाइम में पाकिस्तान में। हुमायूं उसके बाद अपने भाइयों के पास गया, काबुल गया अपने भाइयों के पास, और उसने भाई से मदद मांगी कि भाई देख मेरे साथ ऐसा ऐसा हो गया है, तू अपनी सेना लेके चल और मेरे दिल्ली और आगरा को छुड़ा दे। लेकिन भाइयों ने मना कर दिया, भाई बोले ना हम मदद नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो सिचुएशन ऐसी है कि हमारे यहाँ ये होता है कि एक बार को दोस्त मदद कर देता है, परिवार नहीं करता। तो ये जो कहावत है ये यहीं से चली आ रही है। परिवार ने मदद करने से मना कर दिया कि नहीं भागो, हम तुम्हारी मदद नहीं करेंगे। फिर हुमायूं पहुंचा पर्शिया, पर्शिया में जाके हुमायूं एक राजा से मिला जिसका नाम था शाह तमस, जो कि एक शिया रूलर था। और मुगल्स कौन थे, मुगल्स थे सुन्नी, ठीक है ना, मुगल सुन्नी थे, वो शिया था, यानी कि इनके बीच में आपस में भी काफी सारे डिफरेंसेस थे। तो शाह तमस ने कहा ठीक है भैया, मैं तेरी मदद करूंगा, ठीक है ना, मैं तेरी मदद करूंगा, मेरी कुछ शर्तें हैं। तो हुमायूं बोला बेटा मेरे पास कोई ऑप्शन तो है नहीं शर्त मांगने की, शर्त बता। पहली चीज, शिया को यानी कि शिया सेक्ट को तुम भारत में प्रमोट करोगे। हुमायूं बोला ठीक है चल करूंगा। दूसरी चीज, अपने भाई कामरान को हराओगे, अपने भाई कामरान को मार के उसका साम्राज्य मेरे को दोगे। तो हुमायूं को लगा, ठीक है ना, हुमायूं को लगा कि यार भाई वैसे भी काम तो आया नहीं, तो उड़ा देना चाहिए, ठीक है ना। तो लगा कि भैया चलो उड़ा ही देना चाहिए, तो इन्होंने कहा ठीक है, ठीक है ना। तो अपने भाई पे अटैक किया इसने और अपने भाई को हराया हुमायूं ने शाह तमस की मदद से। और फाइनली जो शाह कामरान का एरिया था वो तो दिया शाह तमस को, और भारत आके दोबारा अटैक किया शेर शाह के बच्चों पे। शेर शाह तब तक निपट चुके थे, 15 साल हो चुके थे। सो हुआ बैटल ऑफ सिरहिंद, बैटल ऑफ सिरहिंद, शेर शाह की डेथ हो चुकी थी। हुमायूं दोबारा इंडिया में आया 1555 में और उसके भाइयों को हरा के यहां से दोबारा से अपना दिल्ली आगरा जीत लिया था। यानी कि हुमायूं ने हराया सिकंदर शाह को जो कि पंजाब का रूलर था, और वहीं से इसने दिल्ली के थ्रोन को अपनाने की या हासिल करने की मंशा जाहिर करी और अनाउंस कर दिया था कि आज से दिल्ली का राजा मैं हूं। ठीक है, हुमायूं के आपके दिमाग में आ रहा होगा डेथ कैसे हो गई एक ही साल बाद, भैया 1555 में तो अभी राजा बने हैं, नई नई कहानी है, जिंदगी नई है, न्यू बिगनिंग है, तो खत्म कैसे होगा। तो भैया हुमायूं भाई साहब दीन पना, जो कि एक लाइब्रेरी है दिल्ली में, ठीक है ना, यहाँ पर थे और एकदम से ने नमाज की आवाज सुनाई दी। तो जल्दी में ये पीछे मुड़े और सीढ़ियां उतर रहे थे। तो पहले के राजा वो फ्रॉक टाइप घाघरा टाइप कुछ पहन के चलते थे, तो वो इनके पैरों में वो घाघरा फंस गया और ये सीढ़ियों से गिर गए। और घर इनके इतने बड़े बड़े होते थे, ठीक है ना, और घर पूरे इनके इतने बड़े बड़े होते थे, इतनी सारी सीढ़ियां थी। अगर ये दिल्ली जैसी सीढ़ियां होती 5-10 तो बंदा बच जाता, ठीक है ना। पुरानी दिल्ली ऐसी सीढ़ियां थी कम से कम 50 सीढ़ियां, तो इनकी डेथ हो गई। ठीक है, इनको दफनाया भी दिल्ली में ही गया, आपने हुमायूं टॉम देखा होगा। नाउ रिफॉर्म्स क्या क्या करे हुमायूं ने, इनकी बहन थी जिनका नाम था गुलबदन बेगम, जिसने किताब लिखी हुमायूं नामा। इन्होंने दीन पना बनाया दिल्ली में, जो कि एज अ सेकेंड कैपिटल यूज करते थे। पर्शियन पेंटिंग्स को भारत में इंट्रोड्यूस किया, वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत से लोगों को लगता है कि पर्शियन पेंटिंग्स हमारे देश में जहांगीर लेकर आया, नहीं, हमारे देश में पर्शियन पेंटिंग्स लाए थे कौन, भाई साहब हुमायूं भाई साहब, ठीक है ना।
और साथ में दो पेंटर्स भी उठा लाए थे पर्शिया से, इसका नाम था ख्वाजा अब्दुल समाद और मीर सैयद अली, ठीक है ना। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया गया मीना बाजार का। मीना बाजार आज भी आपको शहरों में देखने को मिलता है, सिटीज में, कि एक बड़ा सा मेला टाइप लगता है जिसमें बहुत सारे बाजार एक साथ होते हैं, जिसे मीना बाजार कहते हैं। तो मीना बाजार दिल्ली का कॉन्सेप्ट ये लेकर आया था हुमायूं, ठीक है। हुमायूं को लगता था कि एस्ट्रोलॉजी को प्रमोट करना चाहिए और एस्ट्रोलॉजी को बहुत मानता था। इवन ये कपड़े भी अपने वार के अनुसार पहनता था, हर दिन काले कपड़े नहीं पहना रहता था, ठीक है ना। तो ऑलवेज ब्लैक नहीं पहनता था, अलग अलग कलर्स ट्राई करता था, लाइक किसी दिन जो दिन होता था उस वार के अनुसार ये कपड़े पहनता था। अब आते हैं सूरी डायनेस्टी। सूरी डायनेस्टी बीच में 15 साल के लिए आई, आपके दिमाग में आ रहा होगा। इस छोटी सी 15 साल की डायनेस्टी को हम क्यों पढ़े भाई? दो कारण। पहला कि ये 15 साल बहुत ही औसम थे, 15 साल में हमें वो चीजें देखने को मिली जो अभी तक नहीं देखने को मिली थी। दूसरी चीज जो हमें देखने को मिली वो ये है कि यूपीएससी इस पे से क्वेश्चन पूछता, यूपीएससी इस पे क्वेश्चन बहुत पूछता। सो लेट्स बिगिन। ये हमारी सेकेंड अफगान एम्पायर था, जो इससे पहले वाला था वो था लोधी, अफगानिस्ट थे ये। तो शेर शाह, देखो शेर शाह कोई बॉर्न राजा नहीं था, कोई ऐसा नहीं था राजा बन के ही पैदा हो। ये तो हसन खान का बेटा था, जो कि एक जागीरदार थे, कहाँ के? ससराम, बिहार के, बिहार में कस्बे के, छोटे से शहर के जागीरदार थे, ठीक है। इब्राहिम लोधी ने वहां पर इन्हें स्विच किया था 1527 के समय पे, जब बाबर भारत में था, बाबर रूल कर रहा था। तो ये शेरशाह सूरी था, ये उस समय बाबर की सेना में था, बाबर की सेना में था। लेकिन बाबर को लगता था कि इसकी नीयत ठीक नहीं है, इसकी नीयत ठीक नहीं है, इसकी जो नीयत है मेरी मेरी गद्दी की तरफ है। तो बाबर ने इसे मारना जरूरी नहीं समझा, बाबर ने बस गद्दी से दूर भेज दिया, इसे बिहार भेज दिया, जो कि गलती थी, मार देना चाहिए था लेकिन नहीं मारा, ठीक है। तो शेरशाह का वैसे नाम तो था फरीद, शेरशाह का नाम था फरीद, और इसको टाइटल दिया गया था शेर खान का बाय खान लाहौरी, जो कि बिहार के एक राजा थे खान लाहौरी, उन्होंने टाइटल दिया शेर खान का। शेर खान का टाइटल इसलिए दिया गया था, शेर खान का टाइटल इसलिए दिया गया था क्योंकि भाई खान लाहौरी पे एक बार शेर ने अटैक कर दिया था और इस फरीद नाम के लड़के ने उस शेर को मार दिया था, और तभी से इसका नाम पड़ गया था शेर शाह, यानी कि शेरों पर भी शाह रूल करने वाला व्यक्ति, यानी कि शेर शाह शेरों पर भी राज करता है ये, तो इतना डेंजरस था ये, ठीक है। इसने राजा बनने के बाद अपने आप को टाइटल दिया हजरत आला, हमारे यहाँ इंडिया में इस नाम की ट्रेन चलती है, ठीक है। इसके बारे में पढ़ने के लिए हमें जो किताबें हैं वो है तारीख शेरशाही, जिस किताब को लिखा है अब्बास खान शेरवानी ने, ठीक है। इसने क्या किया, इसने चुनार को जीता, शादी करी थी लॉर्ड मलिका से, जो कि एक विडो थी। 1539 में हुमायूं को हराया बैटल ऑफ चौसा में, 1540 में इसने हुमायूं को दोबारा हराया बैटल ऑफ कन्नौज और बिलग्रामी में। तो ये इसके कुछ अचीवमेंट्स थे युद्ध में। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग जिसके लिए सबसे ज्यादा फेमस है वो है इसके एडमिनिस्ट्रेशन। कहा जाता है कि इसके दरबार के टाइम पे अगर कोई लेडी अपने सिर पे एक टोकरी में सोना भी रख के ले जाए तो उसमें से कोई चोरी नहीं करता था। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना बेहतरीन लॉ एंड ऑर्डर इसके टाइम पे होगा। तो इसके 5 साल में इसने बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेशन और बेहतरीन लॉ एंड ऑर्डर चला के दिखाया, ठीक है। इसकी लैंड रेवेन्यू पॉलिसी क्या थी, इसने बहुत सारे काम करे लैंड रेवेन्यू पॉलिसी इसके लिए, लोगों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए। इसने सबसे बेहतरीन कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया लोकल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर लोकल क्राइम, लोकल क्राइम के लिए लोकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये क्या होता था, सपोज ये शेरशाह सूरी बैठे हैं और शेरशाह सूरी सपोज दिल्ली के राजा है और द्वारका में कुछ हरकत हो जाए, द्वारका में कुछ हरकत हो जाए, द्वारका दिल्ली वाले द्वारका की बात कर रहा हूँ। तो ऐसे में ये द्वारका के पुलिस वाले हैं जिनका नाम है सुनील, इन्हें बुलाएंगे कि बाबू ये कैसे हो गया। तो सुनील कहेगा सर वो ना मैं उस समय सो रहा था थोड़ा। अच्छा जी सो रहा था, ठीक है, तो सो रहा था, हाँ मैं सो रहा था। तो उससे कहा जाएगा सुनील भाई साहब आपके पास 10 दिन है, 10 दिन में, 10 दिन में अगर आपने ये जो उसने चोरी करी है या जिसने मर्डर किया है इसे ढूंढ के नहीं ला पाए ना तो 11वां दिन आपका सही नहीं होगा। यानी कि इतना स्ट्रिक्ट था, इतना स्ट्रिक्ट था कि ये पुलिस वालों को ये कहता था कि जो भी इसने लोगों को खड़ा किया था कि मैं तुम्हें जिम्मेदार मानूंगा किसी भी चीज के लिए। मैं अगर कोई क्राइम होता है तुम हो उसके रिस्पॉन्सिबल, मैं नहीं हूं, तुम्हें सुधारना। तो इससे पुलिस वाले बहुत ज्यादा एक्टिव रहते थे। जितने लोगों के दिमाग में आ रहा हो कि आज भी हो सकता है आज नहीं हो सकता, क्योंकि आज ऑलरेडी FIR नहीं लिखते,
एफआईआर दिखाएंगे ही नहीं। आज भी हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा इश्यू है, जो कि आज एक आर्टिकल आया है, इसमें मैं कवर करूंगा, ठीक है ना। वो ये है कि हमारे इंडिया में एफआईआर रजिस्टर नहीं हो रही, एफआईआर को बहुत कम रजिस्टर किया जाता है। क्यों? क्योंकि तो पुलिस वालों को लगता है कि शायद ये एफआईआर फेक है, झूठी लेकर आए। दूसरी चीज, पुलिस वालों को अपना रिकॉर्ड दिखाना होता है साल के लास्ट में गवर्नमेंट को, कि हमारे एरिया में कम क्राइम हुए हैं। कई बार स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से प्रेशर होता है कि आप कम दिखाएं, आप इनडायरेक्ट लेवल पे केस सॉल्व कर दीजिए, लेकिन ऑन पेपर्स मत करिए। अब इनडायरेक्ट लेवल पे क्या होता है, फिर पुलिस वाले वैसे पैसा खाते हैं, करप्शन करते हैं, ठीक है ना, ऐसा करप्शन हो रहा है। तो ये आर्टिकल लिखा भी रिटायर्ड आईपीएस ने है, जिन्होंने बताया है कि हमारे यहाँ कुछ समस्याएं हैं पुलिस में, हमें पावर्स काफी पुलिस को देनी होंगी ताकि वो इन सब चीजों से आजाद रह पाए, ठीक है ना। यानी कि गवर्नमेंट उन्हें कई बार रोक देती है, स्टेट गवर्नमेंट्स, की भैया आप रिकॉर्ड में मत दिखाओ कि हमारे एरिया में क्राइम हो रहे हैं। क्राइम रेट ज्यादा दिखेगा ना आपके एरिया में, क्राइम रेट को कैसे पता लगाया जाता है, वो रजिस्टर ही चेक करे जाते हैं किस थाने में कितने केसेस आ रहे हैं, किस किस चीज के केसेस आ रहे हैं, इस एरिया में गोलियां ज्यादा चल रही हैं या क्या हो रहा है, तो ये सारी चीज देखी जाती थी, ठीक है ना, ये सारी चीज देखी जाती थी। नाउ तो लैंड रेवेन्यू पॉलिसी देखी, लोकल देखी, इसने क्या किया था, ये कहता था कि जो मुकदम्स है, अगर जो व्यक्ति जो उस समय के पुलिस वाले थे अगर वो फेल रहे कल्प्रिट को ढूंढने में, तो मैं तुम्हें भी पनिश करूंगा। जमीन को मेजर क्या किया, 1/3 ऑफ एवरेज। इसने कहा कि आपकी जो भी जमीन हो मुझे नहीं मतलब है, यानी कि अगर आपकी 1 बीघा जमीन है, 2 बीघा जमीन है, 3 बीघा जमीन है, जिसी भी है, जितनी भी आप खेती कर रहे हो, मुझे आपकी जमीन का एक तिहाई भाग चाहिए, मुझे आपकी जमीन का एक तिहाई भाग चाहिए, ठीक है ना। जमींदारों को हटा दिया गया था इसमें, और टैक्सेस को डायरेक्टली कलेक्ट किया जा रहा था, यानी कि दलालों को जो मीडिएटर्स थे इन्हें हटाया गया था कि भैया आप बीच में बैठ के पैसे ना खाएं, हम देख लेंगे हमें कैसे करना है। तो इसने बड़ा ही अलग से कॉन्सेप्ट चलाया था, ठीक है। ये क्वेश्चन उसे हमें प्रैक्टिस में देखने को मिला था कि इसने सराइज बनाए थे, सराय का मतलब रेस्ट हाउस, रास्ते में एक तरीके से गेस्ट हाउस थे जहां पे जाके आप आराम कर सकते हैं, एक शिविर टाइप बनाए थे। इसने दाग यानी कि ब्रांडिंग ऑफ हॉर्स, जो कि अलाउद्दीन खिलजी ने स्टार्ट किया था, उसे स्टार्ट किया, अगेन स्टार्ट किया। बहुत बड़ी स्टैंडिंग आर्मी रखी, जिसे कहा जाता था कि हराना असंभव है, लेकिन हुमायूं ने वो कर दिखाया था, ठीक है। इसने कम्युनिकेशन इंप्रूव किया, कम्युनिकेशन का मतलब ये नहीं होता कि आईफोन उठा के ले आया था या पूरा दिन वीडियो कॉल पे लगे हुए थे। कम्युनिकेशन का मतलब है इसने बहुत सारे हाईवेज बनवाए, यानी कि इसने लोगों को कनेक्ट किया कि पंजाब से लेके हाईवे लेके जा रहा है कोलकाता तक, पंजाब से भी क्यों, पाकिस्तान से, यानी कि पेशावर टू कैलकाटा एक हाईवे बनवाया गया था, जिसे हम कहते हैं GT रोड। GT रोड आज भी आपको दिल्ली में देखने को मिलती है, ठीक है ना। तो दिल्ली, हरियाणा, यूपी, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी GT रोड, तो आपको पता होनी चाहिए। ये NH2 UPSC ने क्वेश्चन पूछा था, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था, बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज हुए थे कि बेसिकली जो शेर शाह सूरी ने रोड बनवाई थी वो कौन सा हाईवे था, NH1 था, NH2 था, NH3 था या NH4 था। तो NH2 GT रोड जो सबसे बड़ी है वो कहाँ पर है, नेशनल हाईवे नंबर 2। नेशनल हाईवे नंबर 2 से अनुराग सर वाकिफ होंगे। दिल्ली से अगर आप आगरा वगैरह की तरफ जाएं तो NH2 का रास्ता भी जाता है, एक्सप्रेसवे भी जाता है, एंड NH2 भी जाता है। जो दूसरी रोड है वो NH2 है, नेशनल हाईवे 2, जो कि आपकी मथुरा वगैरह होती हुई निकलती है, ठीक है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसने दोनों तरफ हाईवे के पेड़ लगवाए थे, यानी कि इसने दोनों तरफ पेड़ लगवाए थे। इसका कहना था कि पेड़ों की छाव में लोग चलेंगे तो सुकून रहेगा, यानी कि अब आपको समझ में आ गया होगा दोनों तरफ पेड़ क्यों होते हैं हाईवे पे। अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग, ये डस्ट को भी रोकते हैं, मिट्टी को रोकते हैं, तो मिट्टी आपकी आंखों में नहीं पड़ती है। इसने रुपया एक नाम का कॉइन लेकर आया था, कॉइन, क्या बात है राज, कोलकाता तक जाती है बात, तो सही है, ठीक है ना। इसने क्या किया, इसने अपने जो सिक्के इशू किए उसका नाम था रुपया, जो कि आज भी आप देखते हैं रुपीज। इसने स्टैंडर्ड वेट पूरे इंडिया में एक जैसा कर दिया था, ये काम पहले भी राजा कर चुके हैं, चाहे बलबन हो, चाहे अलाउद्दीन खिलजी हो, ठीक है, फिरोज शाह तुगलक हो। इसने कैंटोनमेंट सेटअप करे, यानी कि जहां पे केवल आर्मी रहेगी ताकि एम्पायर स्ट्रांग हो, और इसने कैंटोनमेंट इस तरीके से बनाए थे, सपोज ये एम्पायर है, यहाँ पर ये बैठता है, तो एक कैंटोनमेंट यहाँ, एक कैंटोनमेंट यहाँ, एक कैंटोनमेंट यहाँ, अपने आप को चारों तरफ से सुरक्षित करके कैंटोनमेंट खड़े कर दिए थे, ठीक है। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, इसने पुराना किला बनाया था, ये भी एक बहुत बड़ा लवर्स पॉइंट है आज के टाइम में दिल्ली में, तो पुराना किला भी इसने बनवाया था, ठीक है। शेर शाह का सक्सीड हुआ इस्लाम शाह द्वारा, इस्लाम शाह के बाद मोहम्मद आदिल शाह, ये सब होते रहे, लेकिन शेर शाह के जाने के बाद इस एम्पायर में वो बात नहीं बची थी, इनके बच्चे उतने सशक्त नहीं थे,
उतने पावरफुल नहीं थे जितने ये खुद थे। ठीक है, इनके टाइम पे एक व्यक्ति था जिसका नाम था राजा तोदरमल, जो कि एक रेवेन्यू ऑफिसर थे शेरशाह के। ठीक है, इन्होंने तीन तरीके की रेवेन्यू प्रैक्टिसेस चलाई थी, तो हमें वो इतना जरूरी नहीं है। और जो इनकी राजा तोदरमल का एटीट्यूड है, जो इनकी प्रैक्टिसेस है, वो हमें मुगल्स में पढ़ने को मिलेंगी। अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग, इन्होंने बहुत बड़े लेवल पे किचन्स बनवाई, बहुत बड़े लेवल पे किचन्स स्टार्ट करी। ठीक है, और क्या था भैया, यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं सोने के सिक्के देखने को मिलते हैं, जैसे अशरफी कहा जाता है, चांदी के सिक्के जैसे रुपया कहा जाता है। और ये कॉइन्स को यूज करती थी ब्रिटिश गवर्नमेंट, ये कॉइन्स को यूज किया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1835 तक, तो काफी लंबे समय तक ये सिक्के चलते रहे। ये सब हमें देखने को मिलता है। शेर शाह ने कहाँ का कॉन्क्वेस्ट किया? इसने कॉन्क्वेस्ट किया मालवा में, रणथंभौर, रायसेन, चित्तौड़, कालिंजर, और 1545 में इनकी डेथ हुई कालिंजर के युद्ध के समय, और इन्हें ससुराम यानी कि बिहार में ही दोबारा दफना दिया गया। फिर आते हैं मोहम्मद आदिल शाह, जिसे हम अंधाली कहते हैं, क्योंकि इन्हें कुछ नजर नहीं आता था कि इनके एम्पायर में क्या हो रहा है। ये अपने जीवन में मस्त थे, इनके एक हाथ में जाम, दूसरे हाथ में जिंदगी, बस जी रहे थे जिंदगी। ठीक है, इन्होंने अपना एडमिनिस्ट्रेशन दे रखा था हेमू को, और इसी हेमू को हराएगा अकबर। इन्होंने कहा कि हेमू भाई साहब तुम चला लो, हम तो पैसे वाले लोग हैं, हम तो अपनी जिंदगी अच्छे से जिएंगे, तो हमें जीने दो। तो हेमू वजीर था, हेमू ने भी अपने आप को टाइटल दे रखा था विक्रमादित्य, क्योंकि काफी बेहतरीन, ठीक है ना, काफी बेहतरीन ये रूलर था, जो वजीर था, काफी लोगों को इन्हें हराया था। आप देख सकते हैं हेमू ने 24 बैटल लड़ी, केवल एक हारा, और वो एक हराने वाला व्यक्ति था अकबर। ठीक है, बैटल ऑफ पानीपत 1556, जहां पे अकबर की एंट्री होने वाली है, और अकबर आते ही इन्हें उड़ाने वाला है, तो हेमू को हराया अकबर ने। और अकबर की फोर्सेस जो लेड करी वो थी बहरम खान द्वारा, अकबर की जो फोर्सेस हैं वो लेड कर रहे थे बहरम खान, जिन्हें वो खान बाबा बुलाता था। तो ये भी हमें पता होना चाहिए, ये भी हमें पता होना चाहिए। नाउ स्टार्ट विद द अकबर। ओके, आई थिंक गाइस अब ये ओके हो गया है, कोई इशू आ रहा है, देयर इज सम स्टकिंग बिटवीन, है ना, कोई नेटवर्क इशू आ रहा है। ओके, नॉट एन इशू, अगर ये नेटवर्क इशू रहता है, क्योंकि तो दिल्ली में समय चल रहा है, नेटवर्क कहीं अप डाउन चल रहे हैं, ठीक है ना। तो हम ऐसा करते हैं, इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करेंगे बाद में, तो मुगल्स की हम लोग एक और क्लास ले लेंगे। ठीक है, तो इसे अभी मैं स्टॉप कर रहा हूँ, वैसे भी बहुत लंबी है, 2 घंटे हम वैसे भी नहीं बैठ पाएंगे, क्योंकि हम लोग हाफ ऑफ द मुगल्स पे आ गए हैं। ठीक है गाइस, सो दिस इज माय कोड साहिल वन, आप इसे यूटिलाइज करें। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, अभी 11 बजे मैं क्लास ले रहा हूँ अन अकेडमी पे, दैट इज अबाउट कश्मीर। कश्मीर पे मैं एक बार पढ़ा चुका हूँ, ये रिविजन के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसलिए मैंने इसे दोबारा रिपीट किया है संडे को। सो अवेलेबल रहिएगा, ये क्लास मैंने थोड़ी बड़ी रखी है, क्योंकि यहाँ पर आज आप लोग मेरे से, जैसे ही मैं इस सेशन को खत्म करूंगा कश्मीर वाले को, अगर किसी को अपना आंसर चेक कराना है, यहाँ मेरे को अपना आंसर दे सकता है, और किसी को लाइक मेरे से कुछ पूछना है, कोई क्वेश्चंस करने हैं, वो मेरे से कर सकता है। फेब्रवरी की स्ट्रेटेजी क्या होगी, आगे आप लोगों को कौन कौन सी बुक्स पे अपग्रेड होना है, मैं कश्मीर इशू के बाद इन सब टॉपिक्स से भी बात करूंगा। सो 11 बजे यानी कि 11 AM, ठीक 1 घंटे बाद दोबारा मैं अन अकेडमी पे आप लोगों से मिलने वाला हूँ। कश्मीर के ऊपर पहले हम पढ़ेंगे यानी कि 45 मिनट्स तक, बाकी 30 मिनट्स में आप लोगों को यूटिलाइज करवाऊंगा इन सब चीज़ों में। सो आप लोग वहाँ पे, आप लोग क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, यू कैन आस्क मी एनीथिंग, और मैं फेब्रवरी से क्या स्ट्रेटेजी होगी उस पर थोड़ी सी बात करूंगा डेफिनेटली, और कुछ बुक्स आप लोगों को सजेस्ट करने वाला हूं, जो कि शायद आपको नीड हो या नहीं हो। ठीक है ना, ओके गाइस, थैंक यू सो मच एंड